देख रहे हैं पीटीएनआई न्यूज चैनल। जनपद अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर, वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य निर्दलीय प्रत्याशी बसंत लाल खड़गवंशी को जनसंपर्क के दौरान क्षेत्रवासियों ने दिया जीत का आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के वार्ड संख्या 16 के भावी प्रत्याशी बसंत लाल खड़गवंशी को क्षेत्रवासियों ने जनसंपर्क के दौरान जीत का प्यार भरा आशीर्वाद देकर चुनाव लड़ने की दी बधाई। उनको खूब मिल रहा सभी समाज के लोगों का साथ और प्यार। बता दें कि 19 अप्रैल को होने जा रहे जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के वार्ड नंबर 16 से भावी कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील और शिक्षित सभी को साथ लेकर चलने वाले, बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन बनवाने वाले, विधवाओं को उनका हक दिलाने वाले, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की लड़ाई लड़ने वाले और उनको रोजगार दिलाने वाले, गरीबों के मसीहा और क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराने वाले, सादगी से परिपूर्ण निर्दलीय उम्मीदवार बसंत लाल खड़गवंशी को जगह जगह गाँव में जनसंपर्क के दौरान बुजुर्गों ने आशीर्वाद के साथ, युवाओं ने प्यार के साथ और बच्चों ने दुआओं के साथ जीत का भरोसा दिलाया। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी बसंतलाल खड़गवंशी ने गांव लोहारी खादर, दयावली खालसा, गंगा चोली, सोरका झंडी माफी, फूलपुर, बिजलपुर, भैंस रोली आदि गांव का दौरा किया तथा प्रत्येक वोटर से अपने हक में हाथ जोड़कर वोटों की अपील की तथा माता और बहनों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मैं जीतने के बाद अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराऊंगा तथा छोटे और बड़े, गरीब और अमीर, जात और पात के भेदभाव को छोड़कर सभी को साथ लेकर चलूंगा। इसी भरोसे के साथ मैं आपसे वोटों की अपील करने आया हूं। आप मुझे अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे आपके वोट के साथ साथ आपकी सपोर्ट भी चाहिए। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। उनके साथ लक्ष्मण खड़गवंशी, महिपाल सिंह, राहिल खान, लई ठेकेदार, विनोद खड़गवंशी, राजकुमार राणा, अमित गुर्जर, राजेश राणा, सतपाल सिंह खड़गवंशी आदि लोग रहे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचेंगे आप? क्या कीमत लगाएंगे? एक बोतल शराब, एक बोरी गेहूं, रेडियो, टीवी, एक साड़ी या 2-4 हजार रुपए? सोच लीजिए, क्योंकि फिर आ रहे हैं वो कुछ उम्मीदवार आपका वोट खरीदने। याद रखिए, आज जो आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा। इस बार एक बात तय कर कि जो भी उम्मीदवार हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा उसे तो हम हरगिज वोट नहीं देंगे। अपने देश का सौदा, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा हम हरगिज नहीं करेंगे। सच्चे को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे। जय हिंद।